अस्सलामुअलैकुम। आज हमने करनी है लैब नंबर 9 और इसमें हमारा इसका टाइटल है, लैब का टाइटल है जी फाइंड अननोन रेजिस्टेंस विद द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और इसके साथ अननोन रेजिस्टेंस कैसे हम यूज करते हैं, इसको हम देखेंगे। आप इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ये कुछ चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी हैं। ये आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा। एक्सपेरिमेंट थ्योरी जितनी भी लिखी है, काफ़ी लेंथी थ्योरी है इसकी, तो थ्योरेटिकली पढ़ने का मकसद यह है कि आप चीज़ों को समझें एक दफ़ा। इसको ज़ुबानी याद करने या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास अगर कोई है तो उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक कैल्वन्स डबल मेथड होता है, वो स्मॉल रेजिस्टेंस इनके जो बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज होती है रेजिस्टेंस की, वो मेजर करने के लिए यूज़ होती है। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये मीडियम रेंज रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ एक दफ़ा, फिर चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ये जनरल फार्म है किसी भी ब्रिज की, जनरल फार्म अगर आप कहें। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, कैल्वन डबल ब्रिज होता है, मैक्सवेल इंडक्टेंस और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, और इसी तरह एंडरसन और हेज ब्रिज, डी सार्टिस ब्रिज, बहुत सारे ब्रिजेज हैं। तो जनरल फार्म किसी भी ब्रिज की अगर आप लें तो ये मतलब कि फोर आर्म्स, 1, 2, 3, 4 किसी भी जगह से आप स्टार्ट करें और किसी भी जगह से आप नंबरिंग स्टार्ट करें। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा है तो आप 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। बेसिक चीज़ है इसको समझना। अब अगर आप गौर से देखें ना इस डायग्राम को, तो यहाँ पे एक पॉइंट, ये ब्रिज का एक पॉइंट, यहाँ पे एक कनेक्ट है इनपुट सप्लाई के साथ, नेगेटिव सप्लाई और नेगेटिव सॉरी ग्राउंड सप्लाई के साथ, और यहाँ पे सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इसका मतलब अगर आप इसको देखें, ये जो पॉइंट्स हैं दो, ए और बी, अगर इनको हम ओपन कर दें, अब मैं बताता हूँ कि इनके दरमियान क्या चीज़ कनेक्ट करनी है, लेकिन फ़िलहाल ये ओपन है। तो अगर आप देखें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये वाला जो है Z1 और Z2 सीरीज़ में है। अगर आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, ऐसे सर्किट बनाया मैंने मल्टी सिम में, तो ये दो पॉइंट थे, ये और ये देखें सप्लाई, ये सप्लाई दिया मैंने डीसी इसलिए दिया कि रेजिस्टेंस है सिर्फ, तो रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ डीसी सप्लाई चाहिए होती है। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है, हम मल्टी सिम में उस तरह बन नहीं सकते, लेकिन इस तरह चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये सीरीज़ में है। इसी तरह अगर आप देखें ये वाली दो आर्म, तो ये भी सीरीज़ में है, ये ऐसे ठीक हो गया। तो ये हमारा सर्किट मल्टी सिम में ऐसे बनेगा। इनपुट सप्लाई दी, यहाँ पे एक रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर। अब हमने क्या कहा था कि ये अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज़ होता है। अब अननोन कौन सा होगा इसमें, हम अपनी तरफ से फ़र्ज़ करेंगे कि कोई भी अननोन है, हमने किसी भी प्लेस पे, यानी कि आर्म के किसी भी प्लेस पे, किसी भी पॉइंट पे हमने अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ मिला है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये 10 ओम 10 ओम 100 ओम, और ये वेरिएबल रजिस्टर, और ये वैल्यू नहीं नज़र आ रही आपको, ठीक हो गया। तो आपको ये सर्किट दिया जाए मालूम करने के लिए कि जी R4 की वैल्यू मालूम करके बताएं, ये आपको सर्किट दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि जी R4 की वैल्यू मालूम करके दें। तो आप कैसे मालूम करेंगे, आप ऐसे मालूम करेंगे कि इसकी थ्योरी में सबसे पहले आपने देखना है, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा। ये जो फार्मूले लिखे हैं ना, ये इस सर्किट को हमने सबसे पहले बैलेंस करना है। ये लिखा है बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कैसे होगा, ये इस अगर सर्किट पे आप आएँ, ये देखें पैरेलल में दो ब्रांचेस कनेक्ट हैं, ये वाली एक ब्रांच, ये वाली दूसरी ब्रांच, दोनों पैरेलल में हैं। आप अगर सर्किट को सही तरह देखें तो ये सप्लाई है, इनपुट सप्लाई, अगर मैं इसको उतार के यहाँ पे लगा दूँ, फर्ज़ किया ऐसे में लगाता हूँ, ये बिल्कुल सेम सर्किट है, सिर्फ सप्लाई के पॉइंट्स मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पर रख दिए और इसको भी यहाँ से हटा के इधर ले आया, बिल्कुल सेम सर्किट है। बाकी आप रेजिस्टेंस और ये देख लें, R4 वैल्यू मालूम नहीं है हमें। अच्छा, स्टेप क्या करना है, बेशक ये सर्किट हो आपके पास या इस तरह वायरिंग हुई हो, बात एक ही है, सर्किट आपको एक ही मिला है। तो
इस सर्किट के मुताबिक व्हीटस्टोन ब्रिज के मुताबिक अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले इस ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाना पड़ेगा। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, ये दो पॉइंट आप देख लें, इस ब्रांच का मिड पॉइंट और दूसरी ब्रांच का मिड पॉइंट, मैंने इनको नाम दे दिया ए और बी। तो वोल्टेज एट ए विल बी इक्वल टू वोल्टेज एट बी अंडर बैलेंस कंडीशंस, यानी जब भी ये दोनों वोल्टेज बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा और इनका डिफरेंस ज़ीरो आएगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगी ए और बी के दरमियान। मैं इन रजिस्टर की बात नहीं कर रहा बल्कि ए और बी के दरमियान वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक मल्टीमीटर लगा लिया, तो ये देखें अगर मैंने 12 वोल्ट सप्लाई दी है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पैरेलल ब्रांचेज हैं तो पैरेलल में वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा कभी भी। यहाँ भी इस ब्रांच में भी 12 वोल्ट आ रहा है और इस ब्रांच में भी 12। अब इस ब्रांच के आगे चलते हैं, इस ब्रांच में एक रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर, अब ये सीरीज में लगे हैं ये दोनों रजिस्टर, तो इनके अक्रॉस करंट तो सेम रहेगी लेकिन जो 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा दोनों में। अब चूँकि सिंपल सी बात है, दोनों की वैल्यू एक है तो आधा आधा वोल्टेज रह जाएगा, अगर वैल्यू चेंज होगी तो वोल्टेज भी चेंज होगा। हाँ, इस केस में आ जाएं, इसमें भी सेम होगा, सीरीज में है दोनों रजिस्टर, करंट सेम रहेगी लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली हमने ये नहीं देखना कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है या करंट सेम है, हमने सिर्फ इस रजिस्टर की वैल्यू मेजर करनी है इस सारे केस में वो कैसे होगी। हाँ, सबसे पहले मैंने बैलेंस कंडीशन की बात की है, तो बैलेंस कंडीशन के लिए हमें ये वोल्टेज पता होना चाहिए और ये वोल्टेज, और अगर ये वोल्टेज पता ना भी हो तो हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस मालूम करने के लिए मैंने क्या किया कि एक मल्टीमीटर लिया, उसका एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर लगा दिया, तो ये मेरे पास जो भी वोल्टेज यहाँ पे आएगा इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस अगर ज़ीरो आता है, यानी कि वोल्टेज इस मल्टीमीटर पे ज़ीरो या ज़ीरो के करीब आता है या करंट ज़ीरो आती है, तो इसका मतलब है कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। और फिर उसके बाद हमने प्रोसीजर फॉलो करना है इसको फाइंड करने के लिए। अगर ये ज़ीरो नहीं है, ये वोल्टेज या करंट यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो लगा हुआ है मल्टीमीटर, या आप वोल्ट मीटर या एमीटर भी लगा सकते हैं, तो इसमें मल्टीमीटर में चूँकि ऑप्शन होते हैं वोल्टेज का, एम्पेयर का और रेजिस्टेंस का, इसलिए मैंने मल्टीमीटर यूज़ कर लिया। तो वो कैसे होगा, अब मैंने यहाँ पे देखें तो वेरिएबल रेजिस्टर लगाया, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमें ये तीनों रेजिस्टर, इनकी वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ती है, कुछ भी वैल्यू रखें लेकिन उस केस में करंट ज़ीरो फ्लो। अब यहाँ पे देखें जो भी वैल्यू मैंने रखी है 10, 10 और ये 100 है, तो ये वेरिएबल है इनकी 5% ऑफ 100 मतलब कि 5। तो अगर मैं सिमुलेट करता हूँ इस सर्किट को तो इसकी आपने नोट करनी है वैल्यू ये क्या आ रही है, ये देखें -15 pV, और अगर मैं करंट देखता हूँ तो -88 pA। अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस को वेरी करता हूँ, ये मैंने इसको देखें स्टेप्स मैंने इसके रिड्यूस कर दिए, इसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये लिखा है इंक्रीमेंट 1%, मैंने 1% इंक्रीमेंट रख दिया। तो मैं इसको क्लिक किया, मैंने राइट और लेफ्ट एरो के साथ मैं इसको मूव करता हूँ, 6% किया, करंट की वैल्यू आप चेक करें 70 हो गई, 70 मिली। पहले क्या थी 88 pF, पीको और मिली में क्या फ़र्क होता है ये देखें जी, अगर कैलकुलेटर में ओपन करूँ वैसे तो आप सबको पता है कि पीको और मिली क्या होती है, लेकिन अब हम थोड़ी सी नोटेशन इसको चेंज अगर करते हैं, ये देखें ये लिखा है जी 88, माइनस को आप इग्नोर कर दें फिलहाल, तो इस 88 पीको का मतलब है जी 0.00000000 और फिर 88, मतलब कि 11 जीरो आएंगे उसके बाद जाके 88 आएगा पीको। तो ये जो इतने 11 जीरो हमने लगाए हैं इसका मतलब ये तकरीबन ज़ीरो ही है, यानी कि ना होने के बराबर है। लेकिन दूसरे केस में आप देखें अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 6 पे, तो 70 mA। अब 70 mA को अगर आप इस तरह लिखें ना, ज़रा मिली के लिए ऐसे होगा ना, यानी कि ये जो यहाँ था पहले, सॉरी यहाँ पे था पहले, तो ये अब क्या आ जाएगा,
सॉरी ये इस तरह नहीं होगा बल्कि 0.070, ये इसका मतलब है 0.070 एम्पेयर वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है या वो वाली ज़्यादा थी जो 0.110 के बाद जाके 8 आ रहा था, ये 10 के बाद जाके 7 आ रहा है। अब इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूँ मज़ीद तो ये 0.1 बन जाएगा। उस केस में क्या था, 11.0 को अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 88, ये जैसे कि 11.0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 88। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 10 0 बाकी बच जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कम है। इस तरह अगर मैं इसको मज़ीद चेंज कर लेते हैं 7% पे, यानी 7 हो जाती है, तो अब 126 मिली एम्पीयर, यानी कि 0.126, तो ये 0 तो नहीं हुई ना। अगर मैं इसको मज़ीद ज़्यादा करता हूँ, मैं 10 कर लेता हूँ जैसे कि बाकी दोनों आपको नज़र आ रही हैं 10, तो फिर भी ये 0.240 एम्पेयर बन जाएगी। तो जैसे मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो ये मज़ीद ज़्यादा हो रही है, मज़ीद करंट ज़्यादा हो रही है, 0 की बजाय ज़्यादा हो रही है। अगर मैं इसको वापस लेके आता हूँ, फर्ज किया मैं 1% लेके आता हूँ इसको, तो ये देखें इसका मतलब है 685 मिली का मतलब 0.685, यानी 0.6, 0.00 नहीं है। अब अगर इसको मैं चेंज करता हूँ 3% पे लेके आता हूँ, फिर भी वैल्यू 0 नहीं है। 4 पे लेके आता हूँ फिर भी 0.09 रहेगा। 5 पे लेके आता हूँ तो ये देखिए पीको, आप यहाँ पे जाके जो आती है ना वैल्यू पीको, तो पीको को मैंने पहले ही बताया आपको, ये वाली जो पीको है तो इसको मतलब है कि 0, तो इसका मतलब 0 करंट पास हो रही है और हमारा ब्रिज बैलेंस है। अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू देखूँ तो -15 पीको, -15 पीको का क्या मतलब है जी, 14 दफ़ा 0 और फिर जाके अब ये 11 दफ़ा 0 थे, तो मैंने 3 0 ऐड किए और फिर 14 लिख दिया, तो इसका मतलब है ये पीको, पीको का मतलब है -15, यानी 10 की पावर -15, तो ये भी तकरीबन 0 है। तो इसका मतलब हमारा ब्रिज बैलेंस कौन सी वैल्यू पे हो रहा है जी, इसका अगर हम 5 ओम लें और ये 10 रहे, ये 10 रहे, तो ये जो कंडीशन होगी ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन होगी। ठीक हो गया, अब बाकी रह गया स्टेप ये फाइंड करने का कि ये कैसे मालूम करेंगे। तो मैं सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये सर्किट हो या ये सर्किट, इसमें आप देखने सिर्फ मैंने ये वैल्यू चेंज की, ये 1 1, ये उसी तरह 100 ही है, इसकी रेंज है 100, असल में ये 100 ओम नहीं है बल्कि इसकी फुल रेंज है 100। हम जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ से होगा और ये भी अननोन है, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये वोल्ट पे रखा हुआ है मैंने, तो इस वक्त ये 0 वोल्ट शो कर रहा है। देखें मैंने क्या कहा था कि वोल्टेज डिफरेंस 0 हो, ये 0 वोल्ट ही नहीं बल्कि डिफरेंस 0 शो कर रहा है, कि डिफरेंस 0 हो या करंट 0 पास हो रही हो तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है। अगर मैं फिर से चेक करता हूँ तो ये देखें 0 आ रहा है, तो ये किस पॉइंट पे 0 आ रहा है जी, ये 1 मैंने रखा हुआ, 1 यानी 100 का 1% 1 हो गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अभी देखें इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो करंट की वैल्यू आप देखें 3.484। मैं मज़ीद इसको ज़्यादा करता हूँ, करंट की वैल्यू आप चेक करें 3.82। फिर मैं मज़ीद चेंज करता हूँ इसको, करंट ज़्यादा हो रही है, 3.94 हो गई। अगर मैं इसको 10 पे लेके आता हूँ तो अभी भी ज़्यादा, अगर मैं इसको 4 पे लेके आता हूँ तो अभी भी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है जी, 2 1, 2 पे भी 0 एम्पेयर नहीं है बल्कि 1। अच्छा, तो ये ब्रिज बैलेंस हो गया इन वैल्यूज़ के साथ, जिन वैल्यूज़ पे ये बैलेंस हुआ है, यानी कि ये रजिस्टर R1, R2, R3 की जो वैल्यूज़ पे ब्रिज बैलेंस हुआ है, आपने वो वैल्यू अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, R4 फाइंड करने के लिए R4 लिखें, RX लिखें, कुछ भी लिखें, आप बात है कि हमने R4 फाइंड करना। अच्छा, ब्रिज बैलेंस हो गया, इन तीनों की वैल्यू हमें पता कर चल गई। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, ये इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, ये कैसे बनती हैं, किस तरह होता है ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, ये जो मैं अभी बात करने वाला हूँ आपके साथ, तो थोड़ा सा आपने इस बात को समझना है। अच्छा,
अच्छा ये वाली इक्वेशन है, ये यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अपन तो बहुत सारी इसकी डेरिवेशन है ना, तो मैं बात करूँगा ये कि अपोजिट जो आर्म्स हैं, अपोजिट आर्म्स यानी कि अपोजिट आर्म के अपोजिट एलिमेंट, ये देखें डायगोनल में अगर आप देखें, ये वाले नहीं अपोजिट बल्कि डायगोनल में अगर आप अपोजिट देखें तो ये आर टू आर थ्री के अपोजिट आ रहा है और आर वन आर फोर के अपोजिट आ रहा है। अगर आप इन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दें कि आर फोर इंटू आर वन मल्टीप्लाइड बाई आर फोर इज इक्वल टू आर टू इंटू आर थ्री, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना ये फार्मूला, ये बेसिकली इस ब्रिज के मुताबिक लिखा है, ये जो ब्रिज बना है ना ये, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आर वन आर फोर आर टू आर थ्री ऐसे लिखा है ना, तो ये देखें यहाँ से आपको क्लियर होगा अपोजिट्स, ये अपोजिट बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट आपको सही पता चल रहा है जबकि यहाँ पे डायगोनल में होंगे ये, अगर आप ये स्क्वेयर शेप में बनाए ये ब्रिज तो ये डायगोनल में होंगे आर टू आर थ्री, जबकि इस केस में बिल्कुल अपोजिट बनेंगे। ये देखें ना, ये एक आर्म है ये वाली और दूसरी आर्म है ये वाली, तो एक आर्म का ये लिया और दूसरी आर्म का ये लिया, सिंपली अपोजिट आपने आर वन आर थ्री इनको मल्टीप्लाई किया, इक्वल किसके किया आर टू आर फोर को मल्टीप्लाई करके, ये बैलेंस कंडीशन में इक्वेशन आती है हमारे पास। अब आर फोर हमने फाइंड करना था, तो आर फोर कैसे फाइंड होगा, इसमें देखें आर वन आर फोर इज इक्वल टू आर टू आर थ्री, तो इसका मतलब है आर वन को इस तरफ लेके डिवाइड करेंगे हम। अच्छा मैं आपके लिए ये लिख भी लेता हूँ इक्वेशन आपको मज़ीद क्लियर करने के लिए, ताकि कोई परेशानी वाली बात ना हो आपके पास। अच्छा मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। टेक्स्ट बॉक्स एंटर करो, मैं उसमें इक्वेशन लिखनी है जो मैंने अपना ब्रिज बनाया था, ये तो वो है ना जो आपको इस मैनुअल में मिल रहा है, तो अभी मैं इसको पेस्ट नहीं कर सकता इस ब्रिज को, कोशिश करूँगा मैं टाइम निकाल के इसको पेस्ट भी कर दूँ, लेकिन आपने ये देखना है कि ये मैं लिख क्या रहा हूँ। अच्छा मैं बात कर रहा था जी इस सर्कल के मुताबिक आर वन आर फोर होगा, आर वन और आर फोर, और आर टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आर थ्री के साथ। सही हो गया, ये हमारी इक्वेशन बनती है इस ब्रिज के मुताबिक आर वन आर फोर आर टू आर थ्री। अब आर फोर हमने मालूम करना था, तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, आर वन को यहाँ से कट करके इसके नीचे हमें लाना है। अब नीचे लाने के लिए हमारे पास दोबारा मैं जाऊँगा इंसर्ट इक्वेशन के ऑप्शन में, और ये फ्रैक्शन का ऑप्शन है, तो ये मैंने फ्रैक्शन वाला चूज़ किया, आर वन को मैंने नीचे लिखना है और आर टू आर थ्री को मैंने ऊपर लिखना है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई आर फोर फाइंड करने के लिए, इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। सही हो गया जी, ये जो सर्कल मैंने मल्टी सिम में बनाया उसके मुताबिक ये इक्वेशन बनेगी आर फोर के लिए। अच्छा आर टू आर थ्री को मल्टीप्लाई करें ज़रा, इस केस में ये भी वन है ये भी वन है और ये भी वन है, इस केस में तो सिंपली आर फोर की वैल्यू वन आएगी। अच्छा इस केस में क्या होगा, ये जो मैंने पहले आपको 10 की वैल्यू बताई थी, तो ये 10 है और ये 5 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 10, तो 10 और 10 आपस में कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 5, यानी कि आर फोर की वैल्यू क्या आएगी 5। ज़रा करके भी देख लेते हैं, इसी को काफ़ी और फिर पेस्ट कर लिया।
आर टू की वैल्यू क्या थी, आर टू और आर थ्री 10 और 5। तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और मल्टीप्लाइड किसके साथ करा मैं, 5 के साथ, और डिवाइड आर वन हो रहा है। आर वन क्या है हमारे पास, 10। तो आर वन की जगह मैंने 10 लिख दिया। अब हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा जी, टेन टेन कट गया, बाकी क्या रह गया, 5। अच्छा अब ये देखें फार्मूले से, हमारे पास आर फोर की जो कि अननोन का वैल्यू 5 आई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिमुलेट भी करके देखना है, इनके मल्टीमीटर या वोल्टमीटर, सॉरी मल्टीमीटर लगा सकते हैं या ओममीटर लगा सकते हैं हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाना हमने, ये तो मैंने लगाया सिर्फ वोल्टेज मेजर करने के लिए ना, ये जो वोल्टेज आपको नज़र आ रहा है। अब ये बैलेंस कंडीशन में आना, देखें इस टाइम पर बैलेंस कंडीशन में आया, मैंने बताया था कि यहाँ पर भी 12 वोल्ट आएगा, यहाँ पर भी 12 आएगा, जबकि यहाँ पर जाके इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, ये दो बैलेंस कंडीशन है और वैल्यू भी दोनों की एक है, 10 10, तो ये आधा आधा हो गया, 6 और 6। अगर इनकी वैल्यू डिफरेंट होती तो यहाँ भी वैल्यू डिफरेंट होती, सेम केस इधर भी है, तो ये भी 5 है और ये भी इस वक्त 5 है, तो ये 6 और 6 आ गया। तो अब इसको मल्टीमीटर के साथ ओम मीटर के साथ फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएँगे, सर्किट को बेशक आप क्लोज कर दें या रहने दें, जैसे कि ये स्टेप है, इस सर्कल को क्लोज कर दें या रहने दें। ये आपने ये आर फोर को ये हटाया, ठीक है, नया रजिस्टर नहीं लगाना आपने, आर फोर को हटा के इसके क्रॉस यानी इन दोनों को ही आप यहाँ से कट कर लें, ठीक, ऐसे करके आपने कट कर लिया और फिर पेस्ट कर लिया इधर साइड पे। तो अब मैं रन करता हूँ सिमुलेशन को दोबारा, सर्कल को मैंने इसलिए जोड़ा था कि ये वैल्यूज भी आपके पास आती रहें। ये देखें 6 वोल्ट 6 वोल्ट सेम था, यहाँ पर 12 क्यों हो गया, इस 12 यानी कि ये इसके अक्रॉस 12 दिखा रहे, क्योंकि अब एक ही रजिस्टर रह गया है और 12 इधर पूरी ब्रांच में है, तो दूसरा कोई रजिस्टर नहीं है, तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये सिर्फ 12 इसके अक्रॉस आ रहा है, और 6 वोल्ट ये दिखा रहा है इसके अक्रॉस, क्योंकि अब बैलेंस नहीं रहा ना ब्रिज, अब इसको मैंने हटा लिया था इसलिए यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहा है। तो मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो मैंने ये मल्टीमीटर को ओम पर रखा, सिमुलेशन रन हो रही है, तो ये देखें इसकी 5 ओम वैल्यू शो करी जो हमने फार्मूले में मालूम किया था। तो हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी को हमने वेरीफाई कर लिया प्रैक्टिकल के साथ, सही हो गया। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज, बाकी ये थ्योरी लिखी है बहुत ज़्यादा भी, आप इसको रट्टा छटा लगाने से बस एक दफ़ा पढ़ लें, इसमें ज़रूरी ज़रूरी जो चीज़ें आप देख लें, जैसे फाइनेंस कैसे होता है मैंने बता दी आपको, तो मज़ीद डिटेल में मुख्तलिफ़ तरह से चीज़ें लिखी होती हैं, मैंने आपको सादा लफ्ज़ में बता दिया। बाकी ये जो फार्मूले हैं इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे लिखा है ना, ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये ना फिर आप ये भी याद करते रहें, ये जो इसने लिखा है ना वोल्टेज गेज रीडिंग, यहाँ से लेके ये बेशक आप ना भी पढ़ें, यहाँ तक भी आप देख लें, ये जो वोल्टेज ड्राफ्ट लिखा है ये भी, तो ये भी काफ़ी है, ये एक्स्ट्रा चीज़ इसने लिखी हुई है ना मैनुअल में, ये जो सारी यहाँ तक है ना, ये ना भी आप देखें कोई फर्क नहीं, ये वाली भी चीज़, हाँ ये वाली एक लाइन देख लें जो मैंने ये कलर में की हुई है ना, कि ये R1, R2, R3, R4 इक्वल होते हैं नॉर्मली, जो प्रैक्टिकल यूज़ होते हैं ना रेजिस्टेंस, उसकी बात हो रही है, तो वो इक्वल होते हैं या नहीं होते हमें क्या पता, हम तो जब फाइंड करेंगे तब पता चलेगा ना। तो ये दोबारा वही चीज़ लिखी है, सिर्फ दूसरे लफ्ज़ों में लिखी है, तो दोबारा इक्वेशन भी मैंने लिख दी है इस तरह, तो कोई ऐसी वैसी तब्दीली नहीं है, देखें वही फार्मूले हैं सारे, ये देखें वही चीज़ बन गई ना, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो मेथड लिखा है ये भी किसी और सेंस में किसी और चीज़ के लिए लिखा गया पहले, तो अभी आप इसमें कन्फ्यूज़ हों बस वीडियो पे देखें जो तरीका मैंने बताया उसके मुताबिक आप काम करें। अच्छा ये वाला जो टेबल आपने ये एक मैंने आपको एक अलग से मैंने इसको बना के ना एक्सपेरिमेंट को, तो मैंने थोड़ा सा टेबल भी चेंज किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी मैं आपको भेज देता हूँ। मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था इसमें, तो टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें लिख के दूँ, सिर्फ ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें, तो इसलिए मैंने सारे ही दे रहा हूँ आपको, सिर्फ टेबल आप देख लें जो मैं अभी आपको फाइल खोल के दिखा रहा हूँ, उससे आपने टेबल बनाना है।
ये वही चीज़ मैंने काफ़ी किया, थोड़ी बहुत ही चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि हमारा टर्मिनल बहुत नज़दीक आ गया और एक्सपेरिमेंट हमने लाजमी परफॉर्म करने, तो खैर आप थ्योरी पढ़ लेंगे 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये वाला टेबल दे दें, वो वाला टेबल जो मैनुअल में है ना, वो आप उसको बेशक रहने दें। ये चीज़ कितनी दफ़ा आपने रीडिंग ली है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक हो गया। ये इसको ऐसे करके लेते हैं, तो चार रीडिंग, 5 या 6 जितनी भी आपने दी, इसको मैं ज़रा सेंटर कर लेता हूँ। अच्छा, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड कौन सी है, जो ये हमने मेजर किया इसे, ये हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और कैलकुलेटेड कौन सी है, जो हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया, ये देखिए, R4 का जो हमने फार्मूला लगाया था, ये वाला, ठीक हो गया। ये कैलकुलेट हमने किया फार्मूला यूज़ करके, और मल्टीसिम से हमने डायरेक्ट मीटर लगा के मेजर कर लिए, सही हो गया। तो ये वो वाली मेजर्ड वैल्यू है, ये मल्टीसिम वाली, और ये MS वर्ड के थ्रू हमने जो फार्मूला लगाया। और फिर परसेंटेज एरर, अगर इसमें कोई एरर है और परसेंटेज की फार्म में, यानी कि अगर ये फर्ज किया 5 है और ये 4 है, तो 5 - 4 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, परसेंटेज एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर, एक्यूरेसी, ये बात की चीज़ें, बस ये मेन चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। तो R1, R2, R3 की जो वैल्यू आपने रखी हुई है, और रेंज, रेंज इस वक्त आप 1000 कह लें या कुछ भी कह लें, पर ये इतनी जो चीज़, ये मेन चीज़ें, ये दो चीज़ें हो रही है, परसेंटेज एरर, सही हो गया। ये टेबल आपने फॉलो किया, नीचे मैंने दूसरा भी दिया हुआ इसके भी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है सच, क्योंकि मैंने बताया ना मैं इसको बाकायदा शार्ट नहीं कर सका। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज, बिल्कुल ही आसान, इसकी असाइनमेंट भी मैंने आपको देनी है, इसी तरह की एक ब्रिज दूंगा, सिर्फ वैल्यू चेंज करके आपने उसको फाइनेंस करना होगा, और आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, बिल्कुल आसान होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दूसरी भी जो 1 ओम मैंने रखी थी ना वैल्यू, तो ये भी मेजर्ड वैल्यू देख लें, 1 ओम आ रहा है, तो इसकी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 1 ओम ही होगा, सही हो गया। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, और नेक्स्ट हम करेंगे लैब नंबर।